रहमत बरकत हूँ। मैं करीम इमरा टाइम्स से। आज हम बात करेंगे रमज़ान के महीने में नॉन मुस्लिम जो हमारे भाई हैं वो भीख मंगने के लिए आ जाते हैं, कुछ मुसलमान के लिबास पे भीख मंगने आ जाते हैं। तो ये गलत नहीं है, लेकिन मुसलमान का लिबास पहनना ये गलत है। भीख मंगना गलत नहीं है, मुसलमान का लिबास पहनना ये गलत है, और ख़ास करके मुसलमान इलाके पर। कुछ लोग बुरका पहन के आते हैं, कुछ लोग कुर्ता पजामा पहन के आते हैं, कुछ लोग दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, लेकिन अगर उनसे कुछ पूछा जाए तो उनके पास इसका जवाब नहीं है। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं, चार वाक्यों को हमने दिखाया है हमारे बाजू स्क्रीन में, आप देखते रहेंगे कि ऐसे चार वाक्य हैं जहाँ पे ऐसे हादसे हो चुके हैं। कुछ मुंबई शहर में, कुछ दिल्ली शहर में, कुछ यूपी में, कुछ मेरठ में ऐसे हादसे हुए हैं। तो ये सबका कारण क्या है? ये सबका कारण ये है कि हम ना नाम पूछते हैं ना धर्म पूछते हैं, ऐसे ही दान कर देते हैं। रमज़ान का महीना ज़कात का, फितरे का, सत्य का महीना है, और हम रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचते हैं कि कोई भी खाली हाथ ना जाए, सब खुशी रहें। तो इसके वजह से हम ये चैरिटी करते हैं। चैरिटी इस्लाम में बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट पॉइंट दिया गया है, जहाँ पे चैरिटी करना मुसलमान को डिफ़ॉल्ट है। जिस तरह नमाज है उस तरह चैरिटी करना, डोनेशन करना, ये हमारे लिए फ़र्ज़ है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को दें, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि जो वाकई में ज़रूरतमंद है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो फेक बेगर्स जो आ जाते हैं, जो झूठे भिखारी जो आ जाते हैं, तो इनके वजह से जो ओरिजिनल जो जिसकी ज़रूरत है उनको पूरा नहीं दे पाते। तो हम ये चाहते हैं, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, जो हमारा ये वीडियो है, ये वीडियो ज़रा देख लीजिए। ये वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह मुसलमान कौम को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमान कौम को नुकसान दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि देश के लिए ये हानिकारक हो कि ये मुसलमान कपड़ों पर भीख मांगने आ सकते हैं। तो मुसलमान कपड़ों पर क्या क्या कर सकते हैं? आपको देश का इतिहास पता होगा कि मुसलमान कपड़ों लिबास को लेकर कितने बड़े बड़े हादसे को अंजाम दिया गया है। तो मैं आप सबसे सब मेरे मुसलमान भाइयों से ये दरख्वास्त करूँगा कि दान देने से पहले दो बात कर लिए, करने के बाद में दान दे, क्योंकि दो मिनट बात करने से पता चल जाएगा कि सामने वाला कौन है, क्या है। जी, मैं मेरे मुसलमान भाइयों से ये दरख्वास्त करूँगा, अगर जो भी रमज़ान के महीने में डोनेशन ज़कात फितरा देने की चाहत रखते हैं, तो मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कैश पैसा ना दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फल फ्रूट या खाने पीने का आइटम ये सब लेके दिया करें। क्योंकि क्या होता है कि कैश पैसा देने से वो नशे की तरफ भी जा सकते हैं, और जैसे मैंने बताया कि नॉन मुस्लिम भाई लोग काफ़ी रमज़ान के वक्त में दाढ़ी बढ़ाकर मुसलमान एरिए पे आ जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको खाने पीने का कोई चीज़ लेकर दें, ना ही उनको कैश पैसा दें। और ख़ास करके जो बुरके वाली महिला है, जो औरतें हैं, हमारी ख़वातीन हैं, अगर वो बुरके में आती है और आपसे मांगती है, तो मेहरबानी कर उनको जो खाने पीने का जो चीज़ है वो लेके दें, और साथ ही साथ में उनको कम से कम ये कोशिश करें कि उनको वापस उनको गाड़ी में बिठा के उनको घर भेजा जाए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि वो बुरका पहनकर मांगने के वजह से कहीं ना कहीं हमारा कौम बदनाम हो रहा है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान कोई चैरिटी करे, लेकिन जो ज़रूरतमंद है उसको डोनेशन दे, उसको चंदा दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम भैया, आप ये जो लोग देख रहे हैं ये मुसलमान के भेष, ये गैर मुस्लिम है जो मुसलमान का भेष बदल कर जो है टोलियों की शक्ल में शहरों में आए हुए हैं, और ये लोग जो है मुसलमानों की शक्ल इख्तियार करके यहाँ पर भीख मांग रहे हैं। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि ये बात, ये मैसेज हम दे सके कि अगर इन लोगों की वजह से कोई शर फैलता है तो मुसलमान बदनाम होंगे। इस वजह से हम प्रशासन को मैसेज देना चाहते हैं कि इसके ऊपर काबू किया जाए। ये शख्स जिनकी नाम बोल देंगे ना, क्या नाम भाई आपका? पूरा नाम बोल, गुड्डू ठाकुर। आप छोटू नाम बोल रहे, पूरा नाम बोल, पूरा नाम बोल, आपका नाम पूरा नाम बोलो। कहाँ रहते हो आप? लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ पे? आलमबाग। आप कहाँ पर? आप इनको साथ में लेकर आए हो? कितने लोगों की टीम आई है आपकी? लखनऊ से कितने लोग आए हो? 250 लोग, 300 लोग? सिर्फ 4 लोग हैं, जो यहाँ पर है, जो वहाँ पर उधर नाम है, क्या बोलते हैं उसको, पीछे लगा। अच्छा, इनकी कंडीशन ये है कि इनके पास एंड्रॉइड मोबाइल्स है,
पैसे का पैसे बताओ इतने मांगे पैसे बताओ ना इतने पैसे भेस बदल कर ये जो घूमते हैं इनके पास अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छे अच्छे आप देख सकते हैं कि ये जो मोबाइल है ये पैसे इनके पैसे रोज का इनके जो पैसे है कलेक्शन करते हैं ये देखिए ये एक घोड़ा है पकड़ रही ये रोज का इनका कलेक्शन है ये जो गरीबों का हक मार रहे हैं ये क्राइम टोली है हमें चाहिए चिल्लर बताओ नीचे चिल्लर सफाया हो ठीक है अरे डर खाने का मौका से हो रहा है इनका नाम है पन्ना लाल ये मुसलमान बने घूम रहे हैं जकात सब मांग रहे हैं आप लोग इनसे होशियार रहिए ठिलिया वाले जहाँ कहीं दिखे एक रुपए खराब न करिए मारिए अलग से इनका नाम है पन्ना लाल बाप का नाम रामा बाप का नाम रामा सरे और ये दाढ़ी देखिए और ये पगड़ी देखिए और ये लिबास देखिए बराए मेहरबानी जितनी भी ठिलिया मिले सबको पकड़िए ये हमारे जिस जिस भाइयों पास जा रहा आप इधर आइए ये मुन्नी भाई नाम कल्लो बता रही है लेकिन गैर मजहब की नाम मुसलमान का खराब यही कहती है बुरखा बंद करो नकाब बंद करो बदनाम मुसलमान बहने ये मुस्लिम कहती है बुरखा बंद करो ये जो जो देख रहा है गौर से देख लो ये मुसलमान औरत नहीं है ये नकाब पहने हिंदू औरत है और ये चंदा जितना कहा जका खतरा वो सब मांग रही है और ये गैर मुस्लिम है ये फोटो या एसएमएस जिस जिसके पास जाए आप सब ठिलिया वालों से इंक्वायरी करिए खासकर सब मुस्लिम भाइयों से मैं गुजारिश है कि ऐसी औरतों पर रहम बिल्कुल ना करिए ये सब गैर बिरादर है सिम नकाब की बेइज्जती हो रही है अल्लाह आपके कारोबार में बरकत अदा फरमाएगा मेरे भाई और आपके रोजे नमाज कबूल भाई बंद कर अब ये बता इसके अंदर तुम बोल रहे हो ये बच्चा यतीम है इसके दिल में सुराग है क्या इसके दिल में सुराग है जोर से बोल मुझसे अरे मुझसे बोल नहीं है ये बच्चा बिल्कुल सही है ये यतीम है क्या माँ बाप है इसके तो ये टेप में तुम जो बात बोल रहे हो सच है झूठे जोर से बोल झूठ है बेटा इधर देख तू बीमार है क्या जोर से बोल मुझे है ये जो ये बता रहे हैं दिल में तेरे सुराग है दिल में सुराग है क्या तेरे है दिल में सुराग है तेरे ये आप देखिए ये झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं और ये देखिए आप ये तुम सुबह कितने बजे आए थे मांगने के लिए आठ बजे से लेकर ये अब तक लगभग आप देखिए 8 बजे से लेकर अब तक ये लगभग 1500 रुपए से ऊपर कमा चुके हैं इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये 4-5 हजार रुपए कमा चुके होते हो ये रोज के बेटा एक चीज बताओ ये पैसा तुम लोग खुद रखते हो या तुम्हारे से कोई भीख मंगवाता है जोर से बोलो थोड़ा नजदीक बोलो आवाज है 200 रुपए दाढ़ी पर आए हो
और ये कितने रुपए रोज के है, ये भी दाढ़ी पर आया हुआ है। और अगर तुम दाढ़ी पर नहीं आते तो तुम्हारे को जो दाढ़ी से मंगवाता है, कौन मंगवाता है तुम्हारे से भीख? जोर से बोल। सलमा भीख मंगवाती है बेटा, तेरे से कौन मंगवाता भीख? सलमा। और अगर तुम आते नहीं हो भीख मांगने तो तुम्हारे को क्या मारपीट करते हैं वो? सच्ची चीज बता बेटा, मारते हैं? ये बोल रहा मारते, झूठ मत बोल बेटा, मारते तेरे को है? मारते, झूठ बोलना एक सी बेटा, मारते है ना? ठीक है, जोर से बोल इधर इसका बच्चे को। अगर बेटा तुम भीख मांगने नहीं आते तो तुम्हारे को मारते जी? मारते जी। अच्छा तुम ये जो पैसा अभी जो कमाते हो ये सारा का सारा क्या करते हो इन पैसों का? किसको? सलमा को है? इस तरीके की तो तेरे को किस तरीके की स्टाइल में बैठने के लिए बोला था? करके बता एक बार, करके बता, करके बता। सलमान ने क्या वो इस तरीके से बिठाया था तेरे को? और तू ऐसे कब तक बैठा रहता है? तो चार है, चार बजे तक, सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो तू इस तरीके से बैठता अस्सलाम वालेकुम, मैं फिरोज बिस्ती और ये एक बंदा हमारे ई सेक्टर में आया है चंदा लेने के लिए। ये मुन्ना भाई की हार्डवेयर की दुकान जो लास्ट ई सेक्टर मस्जिद के सामने है, वहाँ पे एक बंदा आया है चंदे के लिए वो। हाँ भाई, आपका नाम क्या है? आशिक अली। जोर से बोलिए। आशिक अली। आशिक अली, कहाँ से है भाई आप? कहाँ से आए हो? कुर्सी गाँव से। हाँ, मालकुल। जोर से बोलो। बानपुर नहीं, शिवाजीनगर। शिवाजीनगर, ठीक है। क्या नाम बताया आप? आशिक अली। राशिद अली। आशिक अली। आशिक अली, हाँ। तो क्या बताए थे, फजर की नमाज कभी है? टाइमिंग क्या है फजर की नमाज का? फजर की नमाज का टाइमिंग क्या है? टाइमिंग क्या है बोलो? टोपी है सर पे, दाढ़ी है मुंह पे, तो टाइमिंग नहीं पता है क्या तुमको? कितना टाइमिंग है फजर की नमाज का बताओ जो भाई साहब? आप टाइमिंग है? आप सर पे टोपी है, आपकी दाढ़ी है, आपका हुलिया जो है एकदम मुसलमान जैसा हुलिया है आपका, और आपको फजर की नमाज के बारे में पूछा जा रहा है, आप खामोश है। फजर की नमाज कितने बजे है भाई? कितने बजे की तो सही, कुछ तो बोलिए। अभी क्या हमारे वो लड़के लोग फिर हाथापाई करेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। कभी का टाइमिंग है भाई साहब? नमाज का टाइमिंग क्या है फजर का? ओ भाई जान, ओ भाई साहब, आपसे पूछ रहे हैं, बताइए टाइमिंग क्या है नमाज का? बोलिए ना टाइमिंग तो बताइए। क्या हो गया? सब सुन गया, क्या हो गया बोलो? टाइमिंग बताओ, आप तो मौलाना हो यार, हमसे ज्यादा जानकारी रखने वाले लोग हो, बताओ टाइमिंग, बताओ फजर की। जरूरी है, क्या टाइमिंग है बोलिए ना भाई, नमाज का टाइमिंग बताइए क्या है, फजर की नमाज का टाइमिंग क्या है? आपसे यही कैसा मुँह से बोलोगे या लकड़ी से? आप मुसलमान है भी या नहीं? मुसलमान है भी या नहीं? सही नाम बताओ तुम्हारे क्या? नहीं पता, हो सकता है मुसलमान ना हो। नाम सही नाम बताओ क्या तुम्हारा? आईडी प्रूफ कौन से मदद से आया बताओ? ये आईडी प्रूफ नहीं है तेरा आईडी प्रूफ? आधार कार्ड बताओ, आधार कार्ड, पैन कार्ड या आधार कार्ड, कोई भी चीज बताओ। ये जो चंदे की रसीद है, ये चंदे की रसीद लाए हैं ये। आईडी प्रूफ बता भाई, वो बताओ। पैदा हुआ था आईडी प्रूफ कुछ बना था? बना सकते हैं, बता जल्दी। ये आईडी प्रूफ बता रहे हो? बता आईडी प्रूफ, बता जल्दी। आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी है जिसपे तुम्हारा नाम है, ये आईडी प्रूफ नहीं है, आईडी प्रूफ बता दो। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, जाओ क्या फिक्र रहेगा? बुलाओ पुलिस को। तेरा जो है जिधर से एक लोग आदमी रहते ही है, एक आदमी बिठा के रहता है। आशिक, आशिक अली, आपका नाम आशिक अली बता रहे हो? आपको आपको फजर की नमाज का मालूम नहीं है, जहर की नमाज का मालूम नहीं है, और नमाज में कितनी रकात होती है वो आपको मालूम नहीं है, और यहाँ देखिए नमाज में कितनी रकात होती है वो आपको मालूम नहीं है, नमाज का टाइमिंग आपको मालूम नहीं है, अल्लाह के नबी के कितने खलीफा थे वो आपको मालूम नहीं है, और आपको कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन जो है यहाँ पर आपको फिर भी छोड़ दिया जा रहा है, अभी इसको ऐसे कोई भी जो है आपके आपके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है, आपको छोड़ दिया जा रहा है। लेकिन आप ये वादा कीजिए
कि दोबारा इस चीता कैंप में और कहीं भी आप नजर नहीं आओगे, आप वादा कीजिए नहीं नजर आऊंगा। बोलिए आप मुझसे, बोलिए भाई जान, आप मुझसे बोलिए कि मैं दोबारा कभी भी कहीं पे भी चंदा मांगते हुए नजर नहीं आऊंगा। बोलिए बोलिए बोलिए, यहाँ देख के बोलो यार। ओ भाई साहब जल्दी बोलिए, आपको छोड़ रहे ना ईमानदारी से। आप बोलिए मैं कभी दोबारा चीता कैंप में या कहीं भी चंदा मांगते हुए नजर नहीं आऊंगा, मैं मेहनत मजदूरी करूंगा। बोलिए, अरे बोलिए भाई, क्या चंदा ही मांगना है? चंदा ही मांगना है हमेशा? तो बोलिए ना, बोले मैं मेहनत करूंगा, ये काम छोड़ दूंगा अभी से। बोलिए, बोले तो भाई क्या बोले आप? बोलो कि मैं दोबारा यहाँ पे नजर नहीं आऊंगा। बोलो नहीं आऊंगा। दोबारा नहीं आओगे ना, कहीं पे भी नजर नहीं आओगे ना, मेहनत मजदूरी करोगे? बोलो इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, चलो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके